दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये इधर तालाब है जो इधर लोग मछली मारते हैं। ये देख रहे हैं जंगल पड़ता है इस सबका, देखिए कितना ही ज़बरदस्त है जो ये देख रही है। इसको टट्टी के घर बनाई जाती है। देहात एरिया का आप बिल्कुल देहात एरिया को विजिट कर रहे हैं, मंजर देख रहे हैं आप। देहात में देख लीजिए देहात के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कितनी खुशहाल और कितनी बेस्ट ज़िंदगी होती है उन लोगों की। हर एतबार से वो लुत्फ लेते हैं, हर एतबार से इंटरेस्ट लेते हैं, और खेत के भी और दीगर चीज़ों के भी सुकून जिंदा फिज़ा भी अच्छी उनको मिलती है, और जो हर एतबार से मज़ा लेते हैं उन लोग। ये धान के खेत है, धान पका हुआ नहीं है, इसने तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फल दिया है, देख रहे हैं बिल्कुल पका हुआ नहीं है, कच्चा है अभी धान, लेकिन ये है। ये देहातों में टट्टी के घर बनाते इससे, आइए हम आप लोग लेके चलते हैं आगे। रास्ता जा रहा है खेतों की तरफ, जो हमारा खेत इधर पड़ता है, खेत भी पड़ता है। ये धान देखिए पक चुका है, देखिए धान पक चुका है, और ये दो धान जो है ये कच्चा अभी पका हुआ नहीं, अभी कुछ फला हुआ है, कुछ नहीं फल दिया है। और ये जो धान देख रहे हैं ये पक चुका है धान, ये खूब मस्त फला हुआ, देख रहे किस तरह फला हुआ, कितना अच्छा लगता है। देखिए इधर, और देहात में एक और चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्त, जैसे होता है देहात में लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं पानी से, वो कैसे देखिए मशीन लगी यहाँ पे, इसी मशीन के जरिए लोग हम खेतों में क्या कर सिंचाई करते हैं। देख रही है मशीन लगी है, ये अंदर से पानी निकालते हैं, मशीन ला करके जो बोरिंग लगा हुआ है, ये अंदर पानी आपको दिखाई दे रहा है, अंदर पानी दिखाई दे रहा है, इसी से लोग जो है अपने खेतों की सिंचाई करते हैं मशीन ला करके। और भी दीगर चीज़ें हैं, मशीन लगा देंगे वहाँ पर खेतों की सिंचाई होने लगी। और देखिए लोग धान अपना काट करके गिरा दिए हैं, जो बिल्कुल जो है सूख चुका है, इसको बांध करके ले जाएंगे। इससे पहले भी हमने बैक वाली वीडियो में आप लोग दिखाया था ये सारी चीज़ें हैं। ये देहात एरिया खेती कैसे होती है, लोग खेत धान के खेत कैसे करते हैं, भैया दिखा रहा हूँ धान के लोग खेती, देहात की ज़िंदगी भी अजीब होती है भाई।